वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाले एवोल्यूशन एक्स यहाँ पे रोम कैसे इंस्टॉल करें, जो कि यहाँ पे MI A1 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है MI A1 और आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड वर्षन आता है Android 9 Pie। उसके बाद 1st अगस्त आपको यहाँ पे 2020 का सिक्योरिटी बैच मिल जाता है। तो यहाँ पे वर्षन के ऊपर अगर आप यहाँ पे एवोल्यूशन एक्स रोम इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट आप यहाँ पे जो है यहाँ पे Android 1 से यहाँ पे एवोल्यूशन एक्स में जाते हो तो आपका यहाँ पे डेटा लॉस होगा, तो आपको यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना होगा। और यहाँ पे डेटा बैकअप करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर लेना होगा, जो कि बूट लोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप विद इन अ मिनट में आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये स्टेप फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से फर्स्ट कनेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपको सम फाइल्स को कॉपी कर लेना है PC से। तो यहाँ पे आपको सिंपल कनेक्ट कर लेना है PC से कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल ट्रांसफर चूज कर लेना है, जो कि यहाँ पे फाइल ट्रांसफर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है PC में। PC में आने के बाद आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल, यहाँ पे TWRP इंस्टॉलर, एवोल्यूशन एक्स रोम, जो कि यहाँ पे आप लेटेस्ट रोम देख सकते हो एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। यहाँ पे मैजिस मैनेजर रूट चेकर और यहाँ पे मैजिस मैनेजर जिप, जो कि यहाँ पे तीनों रूट के लिए यूज होता है। अगर आप यहाँ पे एवोल्यूशन एक्स रोम के साथ अगर आप रूट यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे तीनों को भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रूट यूज नहीं करना है, जो कि यहाँ पे आप विदाउट रूट के आप एवोल्यूशन एक्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो तीनों को यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे रूट के बिना भी आप यहाँ पे रोम इंस्टॉल कर सकते हो, रूट के साथ भी आप यहाँ पे रोम इंस्टॉल कर सकते हो, डिपेंड्स आपके ऊपर है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी कॉपी कर लेना है, जो कि यहाँ पे डिवाइस में आपको प्लेटफॉर्म टूल छोड़ के सभी कॉपी कर लेना है MI A1 इंटरनल स्टोरेज। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे कॉपी होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस में यहाँ पे आना है। डिवाइस में आने के बाद पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो है आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल आपको यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट करना है। तो देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे आना है PC में। उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। ये फोल्डर ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर है, इसको भी यहाँ पे ओपन करना है। और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि यहाँ पे डिवाइसेस, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार USB यहाँ पे प्लग आउट करके यहाँ पे प्लग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पोर्ट चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लग इन कर चुका हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है साइड में कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल एक कमांड फॉलो कर लेना है, जो कि फास्ट बूट और स्पेस देके बूट टाइप करके और एक स्पेस देना है। उसके बाद जो TWRP है उसको ड्रैग करना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो कि यहाँ पे TWRP बूट होगा आपके डिवाइस में। तो यहाँ पे बूट होने के लिए एक 15 to 20 seconds यहाँ पे टाइम लेता है, तो आपको यहाँ पे सिंपल वेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल इसको आप क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे जो PC का वर्क यहाँ पे खत्म हो चुका है, सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना होगा अपने डिवाइस को PC से। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है डिवाइस में आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि TWRP इंस्टॉल्ड, इसको सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो इंस्टॉल होने तक आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद होम प्रेस करना है, वाइप में जाना है, आपको यहाँ पे एडवांस वाइप डायलवेक सिस्टम डेटा आपको यहाँ पे फ्लैश कर लेना है, जो कि वाइप कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो वाइप हो चुका है। उसके बाद होम प्रेस करना है, इंस्टॉल्ड में जाना है, आपको यहाँ पे एवोल्यूशन एक्स इसको यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो इंस्टॉल होने तक आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रूट करना है, जो कि यहाँ पे
एवोल्यूशन एक्स रोम के साथ अगर आप यहाँ पे रूट यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप को यहाँ पे फ्लैश कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। तो ये फ्लैश होने तक आपको सिंपल वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। उसके बाद रिबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे रिबूट एनीवे कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो देख सकते हो एवोल्यूशन एक्स यहाँ पे उसका लोगो आ चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे बूट होने तक वेट कर लेना है। बूट होने के बाद सेटअप करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि एवोल्यूशन एक्स एंड्रॉयड 11 आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बूट होने तक वेट कर लेता हूँ, उसके बाद सेटअप करके आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बूट हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है, जो कि देख सकते हो पिक्सल ओएस की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो जो कि यहाँ पे स्टॉक यूआई है। सिंपल आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेटअप हो चुका है और यहाँ पे बूट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो सभी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे 4G वोल्टी भी वर्किंग है आपको यहाँ पे अबाउट फोन में मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एंड्रॉयड 11। उसके बाद यहाँ पे 5th अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रोम का यहाँ पे फुल रिव्यू आपको वीडियो मिल जाएगा, जो कि इस रोम में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, जो कि फुल रिव्यू वीडियो आपको यहाँ पे मैं ला के बताऊंगा, जो कि यहाँ पे बेशक आप इस रोम के बारे में जान पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एमआई A1 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।